आस्ताना रहमतुल्लाह गाजी के यहाँ मुकाम करा है चिड़िया में। सुबह से अब रवाना हुए हैं ये, इन्हें हम अब बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत गरीब हो। अरे आका को ऐसे ही लोग पसंद है। फकीर हूँ उसके घर का बस। तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चिड़िया में कम रहूँगा, ऐसे ही चलना है। हीरा किरान, अच्छा तो वीजा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह है, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से। ऐसा नासरीन हसरात अस्सलामु अलैकुम, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ महाराष्ट्र के उन बाबा जी को जो पैदल हज के सफर पे निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला 2023 में वो हिंदुस्तान से चलकर मक्का की सरजमीन पर पहुँचेंगे और अपना हज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल होने लगी है जिसमे एक और शख्स पैदल हज का सफर कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेले ही सफर पे रवाना है, मगर वो तन्हा ही बहुत जवा दिली के साथ अपना सफर तय कर रहे हैं और अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये वीडियो जब से लोगों के सामने से गुजरा है तब से इन शख्स के लिए भी लोग दुआएं कर रहे हैं और इन्हें मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। इनकी एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमे इनके साथ कुछ लोग हैं जो इनको रवाना कर रहे हैं और इनके गले में हार डाला हुआ है, इनको एक मकाम से दूसरे मकाम तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनका सफर आसान करे और इनका हज जो ये 2023 में करने वाले हैं अल्लाह अपने हबीब के सदके में कबूल फरमाए और इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर करे और मुसलमान इस दुनिया पर जहाँ भी आबाद है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे। आप हज के लिए जा रहे हैं, आप तन्हा ही सही, मगर अल्लाह आपकी हिफाजत हर कदम पर कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाएगा और आपको हज की दौलत से सरफराज करेगा। एक तरफ शिहाब भाई के साथ पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान के लोग भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप तन्हा सफर तय करते हुए जा रहे हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपके पीछे लोग नहीं, आपको कोई कवरेज करने वाला नहीं, मगर आप चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 2023 में वो हिंदुस्तान से चलकर मक्का की सरजमीन पर पहुंचेंगे और अपना हज करेंगे। आस्ताना रहमतुल्लाह गाजी के यहाँ मुकाम करा है चिड़िया में। सुबह से अब रवाना हुए हैं ये, इन्हें हम अब बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह इनका सफर आसान फरमाए। कौन से गांव से आ रहे हो बाबा आप? हम्बल्टी। महाराष्ट्र में? हाँ महाराष्ट्र। एक वो जा रहा है जो पूरे वो एक हाँ वो जा रहा है केरला का, केरला का वो पूरे उस पर प्रचार और वो चल रहा है। हाँ उसका तो बड़ा आदमी है। एक आप हो कि किसी को पता है? बहुत गरीब हो। अरे आका को ऐसे ही लोग पसंद है। फकीर हूँ उसके घर का बस। तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चिड़िया में कम रहूँगा। चिड़िया नहीं तो मतलब कहाँ कैसे रूट मतलब चिड़िया से कहाँ? नहीं मैं चिड़िया वेस्टर्न खरगोन होते हुए रतलाम धार मंदसौर जा रहा होते राजस्थान होते हुए जाऊँगा। राजस्थान से कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा। पंजाब? हाँ पंजाब से मेगा बॉर्डर से पहुँचूँगा। कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा पाकिस्तान निकलो। हाँ, पाकिस्तान। और वहाँ से फिर? वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक ईरान बस ऐसे ही चलना है। इराक ईरान, अच्छा तो वीजा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह है, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से। ऐसा? हाँ। तो कोई लोग अभी तो बस अल्लाह के एहसान करम से धूम से निकला हो। अच्छा